हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे चीज़ी ब्रेड पकोड़ा विद गार्लिक ब्रेड फ्लेवर। आई बेट आपने ये कहीं ट्राई नहीं किया होगा। ये मेरी खुद की ओरिजिनल रेसिपी है एंड आई होप आपको बहुत पसंद आएगी जितनी मुझे पसंद आई बनाने में। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गार्लिक क्रश कर लीजिए अच्छी तरीके से। मुझे चॉप करके डालना पसंद नहीं, नहीं तो उसका फ्लेवर अच्छे से मिक्स नहीं होता। उसको आप मेल्टेड बटर में डाल दीजिए अपने क्रश्ड गार्लिक को। उसके बाद आप उसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, या आपके पास पार्सले होगा तो आप पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक, अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हो तो देखकर ही आप नमक डालना। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ताकि एक थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे हम इसमें। बटर आप एकदम मेल्ट कर लीजिए माइक्रोवेव में और उसके बाद ही मिक्स कीजिएगा ताकि वो अप्लाई अच्छे से हो सके। इसको अच्छी तरीके से इस मिक्सचर को मिक्स करके अब दो ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए और उन पे इसको इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरीके से। कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना। जब आप पूरा गार्लिक बटर स्प्रेड कर लीजिए तो उसके बाद आप एक चीज़ स्लाइस बीच में रख दीजिए। और अगर आपको चीज़ पुल चाहिए तो आप मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। मैंने डाइस्ड मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। और अगर आपको चीज़ पुल नहीं चाहिए तो आप प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ को हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि वो हिले डुले ना, और एक ब्रेड को दूसरी ब्रेड के ऊपर रख के भी उसको दोनों हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इसके आप छोटे छोटे पीसेस काट लीजिए। मेरी ब्रेड बड़ी सैंडविच ब्रेड थी इसलिए मैंने उसके 9 पीसेस किए हैं। अगर आपकी ब्रेड छोटी है तो आप उसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। एंड एक बात याद रखिएगा कि मेरी सैंडविच ब्रेड थी इसलिए इसके कॉर्नर्स नहीं थे। अगर आपकी ब्रेड में कॉर्नर्स है तो वो आप पहले ही कट कर लीजिएगा। अब हम बनाएंगे पकौड़े का बैटर। उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले बेसन, उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से एक स्मूथ बैटर बना लेंगे, लम्प फ्री बैटर। एंड पतला ही होना चाहिए जैसा पकोड़े का होता है ताकि वो अच्छे से हम डिप कर सकें उसमें अपने ब्रेड को। और अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रेड को आप अच्छी तरीके से चारों तरफ से कोट कर लीजिए इस बेसन से और उसको गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। बस हो गया, ये रेडी हो गया है। एंड इसके ऊपर से आप चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर सकते हो, और इसको आप सॉस या फिर घर की बनी हुई चटनी के साथ में जिस तरह से पकोड़े सर्व करते हैं वैसे ही सर्व कीजिए। मैंने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर से धनिया भी स्प्रिंकल किया है, आप चाहो तो करो, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। एंड इट्स रेडी। मैंने मोज़रेला यूज़ किया था इसलिए बहुत ही सुंदर चीज़ पुल आया है मेरे पकोड़े में। अगर आप चीज़ क्यूब यूज़ करेंगे तो पुल तो नहीं आएगा, बट चीज़ का फ्लेवर डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मुझे आपसे भी ये जानना है कि आपको कैसी लगी थी।